नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के महागठबंधन में शामिल होने के बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होंगे। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की तरफ से पीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार के विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में उभरने की चर्चा के बीच एक बार फिर उनकी पार्टी जेडीयू ने कहा है कि अगर अन्य दल चाहें तो वो एक विकल्प हो सकते हैं। पीटीआई से बात करते हुए जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार का मुख्य फोकस 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने पर है। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के बाद विभिन्न दलों के नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली का दौरा करेंगे। मतलब साफ है, नीतीश कुमार दिल्ली दौरे में विपक्षी नेताओं की नब्ज टटोलेंगे। मोदी बनाम नीतीश के सवाल पर ललन सिंह पहले भी कह चुके हैं कि अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए सभी विपक्षी दलों को एक साथ बैठना चाहिए, साथ ही सभी दलों को एकजुट होकर लड़ना चाहिए और बाद में तय करना चाहिए कि उनका चेहरा कौन होगा। कहा जा रहा है कि बिखरे हुए विपक्ष में नीतीश सबसे सरल और सुलभ चेहरे हैं। ऐसे में अगर नीतीश के नाम पर सहमति बनती है तो 2024 में नीतीश कुमार पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए तैयार हो सकते हैं। इससे पहले ललन सिंह ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात भी की थी। इस मुलाकात के बाद ललन सिंह ने कहा कि वे मिलकर 2024 में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। टारगेट सिर्फ इतना है कि 40 सीटों पर बीजेपी को हराना है। 2024 में बीजेपी की 40 सीटें घटानी है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि बिहार के साथ बंगाल झारखंड में भी बीजेपी की हार हो। ललन सिंह सीएम नीतीश के सबसे भरोसेमंद से पसलार रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि अब तक प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए ना ना करने वाले नीतीश क्या विपक्षी एकता के बाद पीएम पद की उम्मीदवारी के लिए हां करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।